अब बात शहडोल की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों की सौगात दी। शंभुनाथ यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उनका कहना था कि पीएम की अगुवाई में देश के खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीएम जन आभार रैली में भी शामिल हुए। अम्बेडकर चौक से पॉलिटेक्निक मैदान तक रोड शो किया। पॉलिटेक्निक मैदान में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि शहडोल संभाग के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे। भैया भारत, पता नहीं कौन से जमाने के लोग है, क्या सोचते हैं? भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस जिले के अंदर बेगा, गौन, कोल जनजातियों की ये जो अपनी बड़ी आबादी है, जिनके आधार पर ये हमारी पहाड़ी और वनांचल, ये अलग से अपनी पहचान बनाने में पहाड़ों के कारण से, कई व्यवस्थाओं के कारण से पीछे रह जाता है। अब जरूरत नहीं रहेगी, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाला कोई संभाग होगा तो वो अपना शहडोल संभाग होगा। ये निर्णय भी हमने किया है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार्तिकेय ने वादा पूरा करने के लिए अगर अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो वो ऐसा करेंगे। उनके इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बुधनी विधानसभा के भेरूंदा का है। वीडियो में कार्तिकेय ने विधानसभा चुनाव में किए वादे को निभाने की बात कही, साथ ही कहा कि अगर अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो इसके लिए भी तैयार हैं। बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादे किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। उधर कार्तिकेय के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, साथ ही कहा कि कार्तिकेय अगर सड़क पर उतरते हैं तो कांग्रेस समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी में इसका मतलब है कि सड़क पे उतरने वाली परिस्थिति आ चुकी है। तो ये जो है और इसका ये भी मतलब है कि शिवराज सिंह जी की मेहनत या उनके जो वादे हैं उन पर शिवराज सिंह जी के परिवार को डाउट है कि वो सरकार उनके वादे पूरे करेगी कि नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो उन्हें सड़क पे उतरना पड़ेगा। जब वो सड़क पे उतरेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। पुणे में कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान का भी दर्द छलका था। ऐसे में कार्तिकेय के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं और कांग्रेस को ये सियासी तौर पर रास भी आ रहा है। वहीं एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के साथ ही राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर चर्चा हुई और साथ ही आगे की रणनीति बनी। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन के पदाधिकारियों की लगातार बैठकें ले रहे हैं। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। मसलन विधानसभा प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनी। लोकसभा प्रभारियों के साथ विधानसभा प्रभारी चर्चा करेंगे। विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेगी कांग्रेस। हर विधानसभा स्तर पर एक सम्मेलन होगा। डोनेशन ड्राइव को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा प्रभारियों को उनके दायित्वों की भी जानकारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के संबंध में हम लोगों की हर जिले, हर विधानसभा स्तर पर एक एक सम्मेलन होना है, जो कि 18 तारीख के से 24 तारीख के पहले उस सम्मेलन का आयोजन हर विधानसभा में होना है। समन्वय बनाकर ये सारे विधानसभा प्रभारी उस सम्मेलन का भी काम देखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समावेश उस सम्मेलन में हो। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जरूर जुट गई है, लेकिन उनकी तैयारी और रणनीति कितनी कारगर होती है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
INDI अलायंस की वर्चुअल हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाने पर फैसला हुआ, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इसे लेकर सियासत गरमा गई है। एमपी कांग्रेस ने कहा कि इंडी गठबंधन में एकता है, जबकि बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन ठग बन गया। साथ ही गठबंधन पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। दिल भी मिले हुए हैं, दल भी मिले हुए हैं, और ये सब मिलके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दलदल में धकेलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं, और इसलिए धीरे धीरे ये बैठकें चल रही हैं कि जब चुनाव का समय आए उसके पहले किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे, पूरी एकजुटता हो जाए। और आप देखिएगा, कल से राहुल जी की जब यात्रा शुरू होगी तो देश का माहौल बदल जाएगा और गठबंधन का माहौल बदल जाएगा। देखिए, ये इंडी नाम का गठबंधन ठगबंधन है, अहंकारी है, घमंडिया है, ये बात बार बार सिद्ध हो गई है। छोटे छोटे दलों के, छोटे छोटे नेताओं के बड़े बड़े अहंकार हैं। एक दूसरे के साथ में न दिल मिला है, न दल के कार्यकर्ता मिले हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी आड़े आ रही हैं। इनका नीति से कहीं कोई सरोकार नहीं, देश के विकास से, देश की अस्मिता से कहीं कोई सरोकार नहीं। केवल गुरोह बनाकर सरकार में बैठने की मंशा पाले हुए हैं, जो जनता कभी भारत की कामयाब होने नहीं देगी। अपने अजब गजब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल कुछ किसानों के साथ हाथ में डंडा लिए निराश्रित गौवंश को हाँकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक अदर निराश्रित गौवंश की वजह से हो रहे सड़क हादसों और जिले की बंद पड़ी गौशालाओं के विरोध में उठाया, चेतावनी दी कि बंद पड़ी गौशालाओं को प्रशासन जल्द शुरू कर दे, नहीं तो आने वाले दिनों में गौवंश को कलेक्ट्रेट के अंदर वो घुसा देंगे और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। हाथों में डंडा और गले में गमछा डाले हुए जंडेल सड़क पर बेसहारा घूम रहे निराश्रित गौवंश को लेकर इस तरह नए अंदाज में अपना विरोध दिखाते हुए नजर आए। जिस देवी देवता का गौ माता में वास होता है, भगवान कृष्ण भी गौ माता को मानते हैं। और आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने हजारों की संख्या में जो गौशाला बनवाई, वे गौशालाओं पे करोड़ों रुपया का सरकार का खर्चा हुआ, वो गौशाला बंद है। आज किसान रात भर खेतों में जगते रहते हैं, गौ फसलों को चौपट कर रही है। कई मेरे एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल बाइकों से मेरे युवा नौजवान युवा साथी मौत के घाट उतर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं।